तो आदाब अर्ज, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अशरफ। तो आज की टॉपिक रहने वाली है चूहे के ऊपर। भाई साहब, चूहों ने तो हमारे लॉफ्ट में बहुत दुखी कर रखा। कबूतरों पे अटैक कर रहे हैं चूहो। इतनी कल सफाई वफाई करके गया हूँ, सारा कुछ कूड़ा कबाड़ा निकल के चूहा ना आए, फिर भी चूहा आना शुरू हो गया। पूरा देख ले, लब बिल्कुल सफाई है, फिर भी चूहा पता नहीं कहाँ से आ जाता है और कबूतरों के पैरों पर अटैक कर रहा है। पहले मैं सोचता चल कहूँ चोट उट लग गई होगी पिंजरों जुरे में, फिर से अटैक हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, चूहे अटैक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको दोबारा देख रहे हैं, अभी मैंने लॉफ्ट खोला, पूरा लॉफ्ट के अंदर खून खून हो रहा है। और जब मैं देखा कि खून कहाँ से आ रहा है, तो मैं सिरके कबूतर पकड़ा, देखा दोबारा इसके पाँव से पूरा खून निकल रहा है। ये आप देख रहे होंगे, ये नीचे देख रहा हूँ खून का डब्बा होगा, ये सारे खून का डब्बा है, देख रहे हैं आप, ये सारे खून के डब्बे हैं, ये देखिए ये सारे खून के डब्बे हैं। ये पिंजरे में देखिए, पिंजरे में लॉफ्ट में देखिए, ये पूरे खून के डब्बे हैं सारे। मैं देखो ये खून कहाँ से आने लग गए, क्योंकि कबूतर पकड़ कर देखा किसी सब पर ठीक है, लेकिन दोबारा को देखा, दोबारा के पाँव उसमें दाँत गिरा हुआ है और उसके पाँव से खून गिर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैंने हल्दी तेल लगाए तो भी खून नहीं रुकता है। अभी तो मैं फिलहाल पट्टी बांधा, अभी एक पट्टी बांधा था, ये देखिए ये मैंने एक पट्टी बांधी थी, पूरा पट्टी खून से लाल हो गया, फिर मैं पट्टी खोल के दूसरा पट्टी बांधा है। और इससे पहले कुछ दिन पहले ये दुबाज का बच्चा, ये आप देख रहे होंगे, ये पट्ठा है, इस पट्ठे का एक नखून ले गया, ये देखिए ये आप देख रहे होंगे पाँव का एक नखून, इसके पैर का एक नखून ले गया, ये आपको दिख रहा होगा शायद, देख रहे ना, इसका भी यही हाल था कि इसका खून रुक नहीं रहा था। तो इसका तो चलो कैसे कैसे ठीक हो गया, दो दिन तक पट्टा बेचारा सुस्त रहा। तो बिल्कुल ये दोबाज का पट्टा है, ये नीचे सबसे नीचे वाले लॉफ्ट में रहता है। ये चूहा को आसानी हो जाती है इसको ऊपर अटैक करने के लिए। और आज तीन चार दिन के बाद दोबाज पर अटैक कर दिया। अभी तो मैंने हल्दी तेल लगा के पट्टुट्टी बांध दी कि खून रुक जाए किसी तरह, उनको एंटीबायोटिक देता हूँ। और ये चूहे से बड़े परेशान हो गए, लॉफ्ट सफाई करने से बाद भी चूहा पता नहीं कहाँ से आ जाता रात में, और ये पूरा कबूतरों को परेशान कर रहे हैं। ये चारों तरफ से कवर है, फिर भी चूहा घुस जाता है गाँव चूहों से। तो ये है कि आप लोग भी चूहे से थोड़ा सावधान रहें, चूहा तो दाना वाना खाने आते हैं, लेकिन साथ साथ कबूतरों भी अटैक करते हैं। तो उसके पैरों पे काट दिया है, वो दाना पाना भी नहीं खा रही है, सिर्फ बैठी है ऊपर। तो कमेंट करके बताएं जरा हमें क्या उपाय किया जाए। अभी मैं चूहे का दवाई डालता हूँ, चूहे का दवाई इसलिए नहीं डाल रहा था कि कबूतर वबूतर उस पर चूह मुँह ना मार दें, ये अपना नुकसान ना हो जाए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं चूहे से, अब कुछ दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा चूहे के लिए, कि चूहों ने बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। अब जगह लॉफ्ट पर जगह जगह वो चूहे की अपनी बीटे कर देते हैं। पहले मैं दाना अंदर रखता था, दाना भी अंदर नहीं रखने लग गया कि चूहा आए ना, दाना भी मैं बाहर रखता हूँ। पहले लॉफ्ट के अंदर ही दाना रखता था, दाना भी हटा दिया, वहाँ से सब कुछ हटा दिया, फिर भी चूहा पता नहीं क्यों और अब कबूतरों पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो यही छोटी सी वीडियो देनी थी आपको कि चूहों से अपने लॉफ्ट को बचा के रखें, तो इस टाइम चूहा कबूतरों पर अटैक कर देते हैं, उनके पैरों पर ज़्यादा अटैक करते हैं। अब उसके पैरों पे उसने चूहे ने काट लिया है, आई होप साफ उप करके तो मैंने पट्टी बांध दी कि इन्फेक्शन चेक ना हो जाए, क्योंकि चूहा आते हैं 10 तरह की बीमारी आती है।
तो यही छोटी सी वीडियो देनी थी आपको कि अपने लॉक में चूहों से सावधानी बरतें कि चूहा ना आ सके। चूहा बड़े बच्चे के बड़े कबूतर को भी अटैक करते हैं। पहले ये था कि पहले लॉक से मेरे हो रहे थे, एक दो बार अंडे गायब हो गए चूहा लॉक से। पता चला मैं जो अंडे कहाँ गए, बाद में पता चला कि चूहे अंडे लेके जा रहे हैं। कबूतर अंडे दे, चूहा सुबह दिन ना हो, दो अंडे रहे, एक अंडा गायब उसमें से। तो इसीलिए आज मैं इसका उपाय करता हूँ, चूहे का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाता हूँ। पिंजरा लगाया था, पिंजरे में भी चूहे नहीं फंसते हैं, इतने सियाने चूहे हैं सारे। खैर चलिए, वो तो मैं सेव कर लूँगा जैसे करना हो। पर आपके लिए जितना ज़्यादा हो सके अपने लॉप को बचा के रखें, अपने लॉप का ध्यान दें, कबूतरों को ध्यान दें। तो कबूतरों के 100 दुश्मन हैं। बिल्ली से बचाओ तो चूहा अटैक कर रहे हैं, चूहा से बचाओ तो बिल्ली अटैक कर रहे हैं, कहीं मौसम अटैक कर रहा है, कुछ अटैक कर रहा है। तो वही अपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा कबूतरों को कैद करें। तो चलिए आज के लिए बस यही इतना, यही छोटी सी वीडियो देनी थी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को दबा दें कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस यही इतना, नमस्कार।